आप हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो मटेरियल हमारा पड़ता है वॉशिंग पाउडर में, डिटर्जेंट पाउडर में, ये सबसे पहले तो हमारा सोडा एस है, ये सोडा एस हो गया ये। उसके बाद आता है अपना सॉल्ट, आता है सॉल्ट, सॉल्ट के बाद फिर उसमें डोलोमाइट डालते हैं। उसके बाद फोमिंग के लिए हम SLS पाउडर डालते हैं जिससे फोम आ जाए। ये SLS पाउडर है। ये सोडियम मेटा सिलिकेट है सर, क्लीनिंग, बेटर क्लीनिंग के लिए सिलिका है, ताकि आपका पाउडर गीला ना हो, मॉइस्चर ना ले ले। इससे डालने से इसको पाउडर बिल्कुल सूखा निकलता है, ड्राई। ये DMX पाउडर है, इससे कपड़े में चमक, पाउडर में चमक, ये ब्राइटनेस के लिए होती है। उसके बाद CBSX पाउडर है, ये कपड़े में बहुत ज़्यादा चमक लाता है। ब्लैक कपड़ा हो तो ज़्यादा चमक, वाइट हो तो बिल्कुल वाइट कर देगा। लाप्सा एसिड सल्फेट, इसका काम है, मेन काम है इसका क्लीनिंग और फोमिंग। इसी से क्लीनिंग भी आती है, फोमिंग भी आती है। और ये आपके कलर्स ग्रेनुअल्स हैं, ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है, सारे इसी में मिक्स हैं, तीनों तीन कलर। कलर बहुत से होते हैं, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ग्रीन, वाइट भी होते हैं। ये मिक्सर है, इसमें 200 किलो माल एक बार में मिक्स कर सकते हैं हम। इसके बाद मिक्स करने के बाद सीधा ये बकेट कन्वेयर है, बकेट के मिक्सर से निकल के माल बकेट कन्वेयर से होते हुए केज मिल में जाता है। ये कन्वेयर है और ये केज मिल है, केज मिल में अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। बस इसको सलिया में डालो, पहले CBSS को पानी में अच्छी तरह से घोल लेते हैं, उसके बाद इसको समय मिला देंगे पूरी तरह से। बस Thank you.